नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और भाई सचिन सागर प्रो क्रिकेट सचिन सागर 2.0 का ग्लोबल लॉन्च हो रहा है यहाँ पे 10 जुलाई को। मैं एक बात बता दूं भाई, अभी घड़ी में बज रहे हैं 9 बज के 10 मिनट से मैं सोचा था वीडियो बनाने की, 9 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। मैं वेट कर रहा था कुछ अपडेट आ जाए बट नहीं आया है, तो मॉर्निंग में मैं इसका गेम प्ले आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद शायद कुछ अपडेट आए, बट अर्ली एक्सेस था, नाउ अर्ली एक्सेस विल कन्वर्ट इन टू द ग्लोबल लॉन्च। तो आप सबके डिवाइसेस में, जब शायद ये वीडियो आप देख रहे होगे, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा। आप ऑलरेडी प्ले स्टोर में जाके कर सकते होगे, सर्च कर सकते होगे। नहीं मिल रहा है तो कमेंट में कर देना, देखते हैं कुछ अगर हो पाता है तो। बाकी यस, गेम इज अवेलेबल। और हाँ, डेवलपर्स ने इसके लिए एक इवेंट रखा था जहाँ पर उन्होंने सचिन सागर के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो दुनिया के यूनिवर्स के सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं क्रिकेट के, स्पेशली सचिन सागर से रिलेटेड जो लोग वीडियो बनाते हैं, उनको इनवाइट किया था। अभी उसकी वीडियो नहीं आई है तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट अभी हम लोग बात करेंगे हमारे गेम प्ले की, जहाँ पर हम लेजेंड्स जर्नी देखने वाले हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर के जो अर्ली ईयर्स थे उसको बताया है। एक बात और मैं कहूँगा, हो सकता है बुरी लगे, बट सचिन सागर 2.0 वाले सचिन सागर सचिन सागा प्रो क्रिकेट वाले सचिन बिल्कुल भी सचिन नहीं लग रहे हैं। वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ना, उनकी तरह ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अनफिनिश्ड मैच आ गया, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज लेजेंड्स जर्नी, इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आ चुका है, मुंबई वर्सेज गुजरात 10 दिसंबर 1988 का मैच है, इसको हम करेंगे प्ले एंड हियर कम्स। और हाँ, इन्होंने पता नहीं क्यों, बट पुराना जो वर्जन था ना, पुराना जो वर्जन था वो थोड़ा टफ था, ये वर्जन थोड़ा सा इजी है। प्लस बॉडी स्ट्रक्चर सचिन का 1988 में जैसा था इस गेम में, वही 2023 में भी है। 23 नहीं, जब वो रिटायर थे 2012-13-14, मतलब वर्ल्ड कप जीते थे, वहाँ पर भी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम फेस है। पुरानी सचिन सागा में ऐसा नहीं था, जो आई थिंक एक अलग ही फीलिंग देता था। प्लस इट इज़ सचिन गेम, और सचिन की गेम में अगर सचिन ही सचिन नहीं लग रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा है ना भाई, गेम से जो डिफरेंस होता है ना दूसरी गेम और इस गेम में, वो ख़त्म हो जाता है। होप कुछ घंटे बाद अगर अपडेट आता है उसमें शायद चेहरा और जो बॉडी स्ट्रक्चर है सचिन का एटलीस्ट चेंज हो जाए। पहली गेंद पे हमने मार दिया है, ठीक है, लॉफ्टेड शॉट्स और जो हमारा लगा है। और हाँ, ये मैंने पहले ही बताया, ये गेम मुझे काफ़ी ईजी लगी कंपेरिजन टू जो पुराना वर्जन था। ईजी बोल के भाई बीट हो रहा हूँ, स्पिन नहीं पड़ पा रहा मैं, ठीक है इस बार तो 6 लगा के रहूँगा। 4 गैप में रन दौड़ा ही नहीं रहा, लगी नहीं रही जरूरत। बैट पे आ जाना भाई, शॉट इंतजार और किया है और थोड़ा सा मिस, 6 दे रहा है क्या, 1 बाउंस 4 ओके। मुझे 3 रन और चाहिए, एक इच्छा है बट मुझे लगता है इस बार टॉट जाएगी गेम, इंतजार बहुत करूँगा। 6 एंड इसी के साथ हमने पहला मैच अपना जीत लिया है हमारी लेजेंड्स जर्नी का। सेलिब्रेशन हाँ देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे आप क्या ना चेहरा देख सकते हो भाई। भाई मुझे नहीं लग रहा है यार, आप लोगों को लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं अभी भी यही बात दोहराऊंगा कि सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस का चेहरा ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमें मिले हैं कुछ रिवॉर्ड जो आप देख सकते हो, दैट्स ऑसम। अगला मैच आ रहा है हमारे रणजी मैच का, जहाँ पे सचिन की 81 रन ने बॉम्बे को टाई करवाया था, बॉम्बे टू टाई महाराष्ट्र, अलाउड बॉम्बे टू टाई महाराष्ट्र इन द गेम, ठीक है। इस इनिंग की बदौलत मैच को ड्रॉ करवाया था, 20 में 26 चाहिए हमको। और हाँ, पैरों पे गेंद है लेकिन कुछ बता नहीं रही है कहाँ जाने वाली है। मैंने पहले भी कहा कि ये गेम ईजी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे मैच बिना आउट हुए जीतूँ। एक तगड़ा 6, बढ़िया शॉट्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं, बट मोस्टली मुझे लग रहा है लेग स्टंप डोमिनेट कर रहा हूँ मैं, ये ऑफ स्टंप देगा तो मारेंगे, थोड़ा सा रिस्की होने वाला है ये शॉट, थोड़ा सा ऑफ लेग 6। मैं थोड़ा और अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे पीछे हट के स्कूप लगाएंगे, बट नहीं। ये बढ़िया गेंद है, ये कुछ अलग गेंद है, ठीक है मैं पॉइंट पर ले रहा हूँ शॉट, पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ओह, ड्राइव यहाँ पे लॉफ्टेड 6, बहुत आसानी से हम लोग रन बना रहे हैं। प्ले भी इसमें हाँ 3-4 एंगल मेरे ख्याल से हैं, ये वाला मुझे सबसे सही लगा इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, पूरा ब्रॉडकास्ट वाली फील देता हुआ बैक से। कितने मीटर लंबा 6 है, 78 AC और 90 100, ओ नर्वस 90s में रुक गया 6, ठीक है ठीक है। थर्ड मैन ले लो एक शॉट, अपील किया, आउट है तो नहीं क्या यार। और हाँ, इसमें कोई DRS नहीं होता, आउट तो आउट।
ठीक है, ये भी बढ़िया गेंद है, एक लॉब, एक नॉर्मल ड्राइव मारते हैं। मैं लॉफ्टेड ही खेल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑफ स्टंप की दीवार को मैं वैसे ही बीट कर पाऊंगा, ग्राउंड शॉट्स पे तो मुश्किल है। सिक्स के साथ फिनिश करते हुए मैच जीतते हुए नंबर दो लेजेंड जर्नी का, ये हमारा रणजी का मैच था तो कुछ इस तरह से फिनिश किया था हमने और ड्रॉ करवाया था। अगला मैच है हमारा ईरानी कप का, जो कि भाई बहुत बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है। इसमें दिल्ली के सामने सचिन ने मारी थी सेंचुरी, तो वो अब हम देखने वाले हैं। मैंने बातें थोड़ी ज़्यादा कर दी थी, ओके नो डाउट ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें। सिक्स, एक थर्ड मैन तो मारना है मुझे, कुछ भी हो जाए, इंतजार। ओ यार, अब देखो भाई इसमें भी ऐसा ही है कि आप अपने हिसाब से वो शॉट नहीं चुन सकते। एटलीस्ट मैंने जो अभी कंट्रोल सेटअप रखा है उसके अंदर, और मैं कंट्रोल सेटअप बदल दूंगा तो फिर बात अलग है, प्रो कंट्रोल रख दूंगा तो बात अलग है। अभी मैं ठीक है, अभी मैं जो खेल रहा हूँ वो स्वाइप है और टच। अरे कैच हो गया, क्या यार यही बातें करते रह गए हम, बातों में रह गए, और ये भाई साहब ने हमको फील्डिंग चेंज करा के आउट करवा दिया था। ठीक है, फील्डर भड़े खड़ा है बट सीधा छे जा रहा है। एक और बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप इस गेम को खेल रहे हो ना, आप बीच में कंट्रोल सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। मैं अभी नहीं कर सकता बीच में। कवर ड्राइव, इंतजार, हाँ ठीक है, टाइमिंग पे जाता है। जब आप बोलते रहते हो ना, अगर कोई नई गेम खेल रहे हो और साथ में रिएक्शन भी देना है तो थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। सिक्स, इससे पहले जो हुई उसके बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड मैन मेरे भाई, एक थर्ड मैन, ये लालच भारी पड़ेगी। व्हाट अ शॉट लगा भी तो, क्या शानदार स्कूप, और दे रहा है वो, थोड़े से रह गया सिक्स के लिए। तो लेजेंड्स जर्नी का ये आज का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक शॉट फाइनली देखने को मिला। तरीका और है आपके पास, वो है ये, हाँ ठीक है, एक ही ओवर में आप फिनिश कर दो तो आपको एडवाइस देखनी नहीं पड़ेगी। अभी मुझे दो और करने पड़ेंगे रन, ठीक है। सेम स्कूप किया बट ये दिल स्कूप था, और 100 पूरा, 101 रन, सेलिब्रेशन मस्त है। इसके अंदर ये वाला सेलिब्रेशन भी है बॉलर की तरफ से, अभी तो आप जो देख रहे हो बैट्समैन का है। अरे अरे जबरदस्त है ये तो, काफ़ी कूल है, काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा खासा सेलिब्रेशन किया है। ऐसा ही होना चाहिए भाई, सेंचुरी मारी मतलब हर बार आप यूं यूं करके ख़त्म कर दे रहे हो, क्या यार इतनी मेहनत से सेंचुरी लगती है और आप 2 सेकंड्स में ख़त्म कर देते हो। ठीक है, हम अभी मैच फिनिश करते हैं स्क्वायर फ्लिक करने के मूड में। हो गया, लेट्स डन इट। एक और मैच हम जीतते हुए ईरानी कप में, उस समय सचिन ने पार कराया था महाराष्ट्र को दिल्ली के सामने। मोस्टली सेलिब्रेशन सेम ही है जैसा आप देख रहे हो, उससे मतलब है मेरा एंड सेलिब्रेशन, जो विनिंग सेलिब्रेशन है वो। अगला मैच आ रहा है हमारा पाकिस्तान के सामने, जहाँ पे 16 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था कराची में, और सबसे यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन गए थे। गेंदबाजी कर रहे हैं इमरान खान यहाँ पे, ओके लेग स्टंप अभी फ्लिक के लिए खाली है पूरा, तो अच्छा मौका है हमारे पास। बड़ा स्विंग है लेकिन मिस हो सकता हूँ शायद, कैच। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें लगता है डिफिकल्टी कुछ अलग है। अरे भाई साहब फिर से आउट, ड्राइव का ऑप्शन है ऑफ स्टंप पे, मैं लेकिन लेग स्टंप भी जा रहा हूँ ज़्यादा। मैंने पहले ही बोला भाई गेम डोमिनेट कर रहा है लेग स्टंप पे, आपको शॉट भी ले ले। अभी तो मुझे हिट करने दो भाई, अभी मुझे लॉफ्टेड का मजा लेने दो। 4 रन्स फील्ड पर, ऐसी गेंद जिसको आप जहाँ चाहो वहाँ खेल सकते, फाइन खेलने का मूड है। और तेज लगे, ओहो उठा दिया गेंद को भाई स्लॉट पर से ही, पिच पड़ते ही बल्ला करीब ले गए, और फाइनल लेग से 6। अजीब सा क्रॉस एंगल है, क्रॉस एंगल भी इनका बहुत डेंजर है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट, 6। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये ग्राउंड शॉट खेल रहा हूँ, ओनली फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक कर देना यार। सिंगल डबल ले ले, नहीं लेना, ऐसे भी लास्ट बॉल थी तो एक तरीके से कह सकते हो आप इस स्ट्राइक रोटेशन के लिए मैंने किया, बाकी ऐसा होता नहीं है। मैं अगर 2 भी लेता तब भी मेरी स्ट्राइक ही आती। ये अच्छा है, स्पिनर को खेलने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा थोड़ा, और नेक्स्ट फ्लिक ही बेस्ट रहेगा। बड़ा लेग स्पिन, इंतजार किया है, मिडलिंग किया है, 6 निकाला है, 2 रन बाकी सिर्फ, और ये आदर्शता है। ये अच्छा लगता है मुझे कि मतलब आप ये एनिमेशन भी देख ले रहे हो, नहीं तो अगर 4 रन बाकी होते मैं 6 मारता तो ये एनिमेशन मिस था फिर, 49 पे होते और 4 रन मारना होता मैच जीतने के लिए तब। फाइन बेहतर होगा, कुछ अलग भी होगा,
और इसी के साथ हमने हरा दिया है पाकिस्तान को भी हमारे लेजेंड्स जर्नी के इस मैच में। मैंने पहले ही बुलाया विनिंग सेलिब्रेशन सेम है भाई, सब अभी तक तो मैंने सेम ही देखे। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ कलर जर्सीज देखने को मिल रही है, स्ट्रेट का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कुछ ज़्यादा टफ ना हो। लेट जरूर है शॉट, बट गैप भी उतना बेहतर है 4। यही कारण है कि अगर आप ये कंट्रोल रखोगे ना तो वो अपने हिसाब से सेट करता है सब। स्लोवर थोड़ी थी, थोड़ा सा हमने अर्ली भी खेला है, यही कारण है कि 4 मिलेगा। इन पॉइंट सबसे हिट होगी, यही कवर ड्राइव मानना था मुझे, थोड़ा बैक फुट स्टाइल से लग गया 6। नाम तो ऐसे भी नहीं है, ओ पुल भाई, सर रिप्ले मुझे आपको दिखाना था, दिखाने का मौका मिलेगा अब यहाँ पे। और 21 गेंदों में 54, अब आप सेलिब्रेशन मैच करा लो, पिछला 50 ये 50 क्या सेम है, मैच भी जीत गए। अरे वाह, मैं तो पुल दिखाने वाला था कैसा दिखता है। इस मैच में भी इंडिया को टाई करवाया था, दिस इज अ टेस्ट मैच तो। अरे एक्शन अलग है इनका, चलो गैप है, आउट तो नहीं होना चाहिए, रुक रही है गेंद में, एक एक काफ़ी, एक काफ़ी है, होल्ड करो भाई, नीचे एस और एनएस लिखा होता है, स्ट्राइक अपनी आएगी चिंता मत करो। ठीक है, स्ट्रोक ट्राई कर रहा हूँ, एक आध बाउंड्री अगर लग जाती है, बट ये है, ये दिक्कत है, डॉट खेलते हैं, मुझे डॉट खेलना खिलानी नहीं है इनको। चलो स्विंग तो इतना है कि बैट जरूर हिट कर जाएगा, वो भी 6 पूरे, 24 बाकी गेंदे, अभी एडवर्टाइज आएगी यार। सेम शॉट तो नहीं, पीछे की तरफ खेलना है। अरे देखना भैया, इस बार आउट होने का डर है। ओह 6, एक्चुअली मैं और फाइन खेल रहा था, इन्होंने स्क्वायर लेग मारा है डीप। कोशिश रहेगी कि इस ओवर में फिनिश किया जाए। अरे फ्लिक, लॉब नहीं क्लिक किया, अरे यार, वी नीड 6, मिल गया। 3 गेंदों में 14 करना है, मेरा परीक्षा वाली बॉल है, कवर लॉपटेड कनेक्ट करा देना, ओपी डॉर्कर लेंथ थी, स्टंप पे थी, थोड़ा डर के खेला। हार्डमैन सब टाइमिंग सही तो सब सही, अरे अपील वपील मत करना, इससे बेवकूफ़ वाली नहीं होगी बात। हाँ ठीक है, मैं स्टांस जबरदस्ती का खेलने की कोशिश है, 4 रन चाहिए था, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, इस ओवर में नहीं कर पाया फिनिश। एक काम मैं ये करूँगा कि इसके बाद कंट्रोल चेंज करना है मुझे, 6 एंड विन द मैच। इंतजार रहेगा और नए किट को देखने का, मैं इंडिया की किट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ इस गेम में, नई मतलब पुरानी किट बट नए अंदाज में, सेम विनिंग सेलिब्रेशन। यहाँ पे आ रही है सचिन की फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट मैन ऑफ द मैच का मैच जो इन्होंने खेला था, अथर्टन गेंदबाजी कर रहे हैं, ये तो बहुत खास मैच है यार। ओ बीट, इंग्लैंड कोशिश करता हुआ और नाकामयाबी झेलता हुआ, रियल में भी झेली थी, यहाँ भी झेल रहा है। कंट्रोल मैं चेंज नहीं किया यार, भूल गया, एक बार इसमें आप आगे बढ़ जाते हो फिर कुछ बैक बैक बटन है ही नहीं। 4, इजी पॉइंट हिट है, स्लोवर बहुत डाल रहा है, बहुत धीरे कर रहा है गेम। अरे अरे एज बनी, एजेस भी हैं इस गेम में, काश ऐसा होता इस गेम में कुछ फोटोज भी डाले होते उन्होंने मैच से रिलेटेड, कुछ तो और ज़्यादा ऑथेंटिक फील होता। अभी बाउंड्री इन्जॉय करेंगे, बट वो सचिन वाली फील नहीं आ रही, शॉर्ट्स में पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, शायद ऑलरेडी हम खेल चुके हैं सचिन सागर क्रिकेट चैंपियंस। स्ट्रेट हिट लग जाता है तो अच्छा है, 6 रन स्ट्रेट पे, और ये आ गई हमारी सेंचुरी। अरे भाई ऐसे ही होनी चाहिए, इतनी लंबी ही होनी चाहिए सेंचुरी सेलिब्रेशन। ये देखो भाई, स्ट्रेट शॉट लॉपटेड कैसे मारा जाता है सचिन की स्टाइल में, यह बात। स्लिप रखा है, चलो देखते हैं, हिट तो करना चाहिए, ओके फाइन मार दिया, मैं तो थर्ड मैन किया था। 4, ये बीट ना हो जाना इस गेंद पे, अरे पुल क्यों, थर्ड मैन, ये चाहिए मुझे शॉट, चांस बदला है, ये कनेक्ट करेगी, कितना करेगी वो देखना पड़ेगा। 6 है, और हाँ डिफिकल्टी फील हो रही है, बीट हुआ हूँ मैं इस मैच में, हिसाब से तो ये कनेक्शन अच्छा होगा। लग गई, चलो अच्छा ये भी देख लिया हमने, मार सकते हैं, बढ़िया 6, सचिन का कमबैक आफ्टर गेटिंग हिट ऑन द बॉडी, ये लगा अच्छा। फाइनल बॉल है, कहाँ मारूं, सोचो ऐसी जगह मारो जहाँ ना मारा हो। बीट हो गया, बीट ही मारते हैं क्या, चलो ट्राई करते हैं। अरे स्पिनर है भैया, कुछ भरोसा नहीं, ओ ये कहाँ मारा,
ओ स्ट्रेट लेकिन हाथों में, हाँ शॉट बहुत अच्छे से लिया था। ठीक है फिनिश के मूड में, अब कोई होशियारी नहीं, ये भी बेहतर ही है। चार लगाए 6 के सामने, हैमिंग्स करके आए थे ऑफ ब्रेक गेंदबाज और विन भाई। रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो कुछ ऐसे, ज़्यादा एक्सपी भी मिल रहे हैं। और अब आ रहा है ODI फर्स्ट 50 एंड फर्स्ट मैन ऑफ द मैच ODI का। श्रीलंका की किट भी देखने को मिल गई है भाई, जबरदस्त। मैं यही कह रहा था कि मुझे देखनी है किट्स सारी टीमों की, ओल्ड वाली। बाकी ओल्ड लग नहीं रही है, ये काफ़ी मॉडर्न लग रही है मुझे। 6 रन से शुरुआत, 28 करने किसमें, ईजी है। श्रीलंका की किट सही में ऐसी बनाई कि गलती से बन गई। मिक्स फीलिंग आ रहा है। 4 बातें कम की होती शायद 2 आ जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है भाई बहुत हो गया, स्क्वायर अब पॉइंट हिट करते हैं। 6 बोल के ये बात। एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपने इस गेम का, अगर वीडियो का अगर असली मज़ा लेना है तो फुल सेटिंग्स कर दो अपनी भाई क्वालिटी की, तब आएगा असली मज़ा। ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स में यही रिस्क रहता है, डॉट जाती है गेंदें नॉर्मल क्रिकेट पे बैक आते हुए और बाउंड्री जाल डालते हुए। 8 रन नीचे गेंद और ये 1 मिनट, हाँ 6 चला गया, मैंने देखा नहीं था स्क्वायर पे फिल्डर भी खड़ा है। 2 रन जो कि सबको पता है कि इस गेंद पे होने ही वाले हैं। अरे ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, OC हो गया भाई OP से। सेम वही चीज, इस गेंद पे तो फिनिश होना ही है मैच चाहे कुछ भी हो जाए। अबे यार ये क्या हो रहा है, फिर से ना खेलना पड़े भाई। नहीं अभी तो है रिवाइव। एक बार फिर थोड़ा अर्ली खेलेंगे। ओ ये टाइमिंग था असली, मिस कर रहा था। स्ट्रेट 6, अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर आपको स्ट्रेट 6 का रिप्ले नहीं, वो तो पुल का बाकी है ना, पुल का अगर आएगा तो दिखाऊंगा रिप्ले। रिवॉर्ड 50, 100। ठीक है स्टोन 4, यहाँ पे आ रहा है दुलीप ट्रॉफी का मैच। अरे यार कंट्रोल फिर चेंज करना रह गया। ट्रॉफी है तो थोड़ा इजी होगा शायद मेरे हिसाब से। 4 रन पूरा फाइन खाली, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लेक्स्टम चला गया हूँ। डबल भी लेके देखो यार, क्योंकि डाइव लगाएंगे, थ्रो बहुत जल्दी आता है और रिएक्शन भी बहुत तेज देता है कीपर। स्क्वायर लेग वाले, स्क्वायर लेग वाले अंपायर को इस पे पुल लगेगा, बट पुल पे फील्डर खड़ा है, पोजीशन इस फ्लोर डाल दी। चलो हमारा भी कम नहीं है शॉट, अरे कितना बड़ा बन गया शॉट अर्ली टाइमिंग पे। गेंद अच्छी कर रहे हैं, मार्कर लाइन रख के कवर फील्डर रख दिया है, बंदे में दिमाग तो है। फ्लैट शॉट लेकिन थोड़ा सा गैप, 4 रन। एक बार फिर फिनिश करने की इच्छा हम, अबे ये देखो। चलो भाई अब एक कवर ड्राइव लगा के मैच को ओवर। अभी कुछ नहीं बोलना भाई मेरे को, अभी देखना है खाली आप लोगों को और दिखाना है। 6 एंड विन द मैच, ये सब देखा हुआ है। इस मैच के साथ मेरा माइलस्टोन 4 ओपन हो चुका है। अच्छा इसमें वो है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है भाई, अभी मेरा ध्यान गया, इसमें कंट्रोल ही नहीं है। आप मैं जब पता नहीं मैं कौन सी गेम खेली थी, अच्छा मैंने सचिन स्लगर क्रिकेट चैंपियंस इंस्टॉल की थी, उसके अंदर ऑप्शन था। मैं वही सोचा मैंने कहीं ऑप्शन देखा था बट दिखने क्यों नहीं रहा। इसके अंदर भाई कोई कंट्रोल ऑप्शन नहीं, यही बेस्ट कंट्रोल ऑप्शन है अभी, जो कि डेफिनेटली -9 पे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पुरानी गेम में था तो उसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है कोई रीज़न होंगे बट ये भी जरूरी था। सेकेंड तो रुक के ही मारना पड़ रहा है। 6 तारीफ कर दी इनकी, स्ट्रेट लाइन पर मैं सिक्स किया, हम अलग शॉट खेल रहे हैं सेम बॉल कनेक्ट हो गए तो मज़ा आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग, अरे आउट दूसरी बार में दे देता है आउट क्या। अबे ऐसा कोई नियम है क्या, मुझे लग रहा है दूसरी अपील में आउट दे देता है। डी तो बहुत आगे है गेंद, शॉट जो मैं ले रहा हूँ ठीक है बॉटम शॉट से उठाया कोई दिक्कत नहीं। 4 तो पे एजिस लगे थे अभी तक, सीधा 6 ऑप्शन तेज गेंद अर्ली गए, थोड़ा सा अंतर कम लग रहा है मुझे बट 6 की दूरी तय की है। ब्रेक की बहुत दूर दी है बट, और ये स्ट्रेट 4 हटिया बीट हुआ है, इसी के साथ हमने मैच को जीत लिया है। चेक पॉइंट 4 तक हमने आज का जो गेम प्ले किया है वो हम रख रहे हैं।
बात कर लेते फर्स्ट इंप्रेशन की क्या है। मैं बता दूं इसके अंदर तीन हिस्से हैं, बॉय वंडर जब वो नए नए आए थे तब, उसके बाद जो मास्टर ब्लास्टर बन गए तब, और जब वो लेजेंड बन गए थे तब, तीन हिस्सों में डिवाइडेड। और आप कोई भी जर्नी को खेल सकते हो। ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि सचिन सागर जो वन वर्जन है ना जो क्रिकेट चैंपियन, उसके अंदर आपको एक एक पार करना पड़ता है। मतलब पहले एक दो तीन चार करो तब पाँच छः सात आठ खुलेंगे, पाँच करोगे तो छः, छः करोगे तो सात, सात करोगे तो आठ। तो वो कई बार बहुत हैक्टिक हो जाता है। प्लस शुरुआत में गेम में सेव डेटा में बहुत दिक्कत थी, तो दो तीन बार तो मेरा रिसेट हो गया जर्नी। बाकी इनिशियल रिव्यू की बात करते हो भाई, ये गेम सचिन सागा सचिन के लिए गेम बनी है, बट वो सचिन वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो सचिन सागा क्रिकेट चैंपियंस में फील आता था ना, कि भाई जब सचिन सागा आया था एक अलग ही माहौल था, अलग ही तरीके से प्रमोशन किया था, बट अभी के लिए इस गेम का मुझे लग रहा है सचिन सागा में से सचिन थोड़ा सा बाहर हो गए, सागा क्रिकेट चैंपियंस सागा प्रो क्रिकेट थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। बट लेजेंड्स जर्नी एक्चुअली और सचिन का जो बैटिंग स्टाइल है, सचिन का जो नाम है भाई, वो इस गेम की मेन हाईलाइट है। वो अगर इसमें से मिसिंग हो जाएगा ना, चाहे उनका बैटिंग स्टांस हो, चाहे उनकी जर्नी में जो उनका लुक हो, जो पिछली बार था भाई बहुत औसम था। प्लस ऑफलाइन गेम प्ले अभी भी यहाँ पे नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, बट हाँ मैं बताऊँ सचिन सागा जो 1.0 आया था क्रिकेट चैंपियंस का, उसमें ऑफलाइन था, जिसके अंदर आप क्रिकेट चैंपियंस को खेल सकते, मतलब लेजेंड जर्नी को खेल सकते थे। ये इन्होंने डेवलपर से निकाल दिया, ऑब्वियसली बात है हैकिंग का डर होगा, बट हो सकता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गेम जो भी है सचिन के नाम से है, बट सचिन की फीलिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग लगती हुई मेरे को। जब आप लोग बताएं भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि गेम ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है आपके डिवाइसेस पे, अगर आपका डिवाइसेस सपोर्ट कर रहा है तो। मेरे ब्लू स्टैक्स में नहीं चल रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं ब्लू स्टैक्स पे अभी अवेलेबल नहीं है ये गेम, कुछ टाइम लगेगा शायद, हो सकता है इनका जो ग्लोबल लॉन्च है उसके बाद अगर कोई अपडेट आती है। 10 तारीख को सुबह के 11 बजे तक, 10:30 तक तो कोई अपडेट नहीं आया है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, सचिन सागा प्रो क्रिकेट आपको कैसा लगा कमेंट में बता दो। डेवलपर्स अगर आते हैं पढ़ते हैं तो उनको भी पता लगे कि भाई जो पब्लिक है वो ये सोचती है। बाकी टेक केयर एवरीवन, होप जो भी गेम आए, चाहे ये हो, चाहे RC20 हो, WCC3 हो, सब भाई बढ़िया बने, क्योंकि मज़ा हम लोगों को ही आने वाला है अगर जितनी अच्छी होंगी गेम। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो यार।